दिस इज 92.7 बिग एफएम। जिन रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर होना पड़े वो रिश्ते मजबूत नहीं होते। जिन रिश्तों को निभाने के लिए मजबूर होना पड़े वो रिश्ते मजबूत नहीं होते। मजबूत रिश्ते वो होते हैं जो सहजता से निभाए जाएं, जहां ना शर्तें हों और ना ही रिश्तों को निभाने की मजबूरी हो, प्रेशर हो, दबाव हो। हमारे और आपके रिश्तों में सहजता हो, सरलता हो, सच्ची आत्मीयता हो, इसी आशा और विश्वास के साथ शुरू करता हूं ये शो जिसका नाम है सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो किस्से आपके लिए लेकर आया हूं, आइए डालते हैं उन पर एक नजर। एक सीन को शूट करते हुए एक एक्टर की जान बचाई उसके साथी कलाकार ने। मर जाता वो, लेकिन किसी ने बचा लिया। ये होगी पहली कहानी। उसके बाद जाने माने राइटर नबेंदु घोष को पहली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए करना पड़ा बरसों इंतजार। क्या आ रही थी मुश्किलें, ये खुलासा दूसरी कहानी में। तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया, जिसमें याद करेंगे हिंदी सिनेमा को पहली बोलती फिल्म देने वाले अर्देशर ईरानी को। रीमेड इन इंडिया, जहां चर्चा होगी एक इटालियन और इंग्लिश में बनी फिल्म की, जिसका टाइटल है फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। और फिर रिवील करूंगा कि इस फिल्म को कॉपी करके हिंदी में कौन सी फिल्म बनाई गई। और अंत में झांसी के हमारे श्रोता राजीव तिवारी का प्रश्न। तो आइए नए अफसानों के साथ आगे बढ़ते हैं आज के सफर पर। मोनी भट्टाचार्य ने एक फिल्म बनाई थी, टाइटल उसने कहा था। शूटिंग चल रही थी। फिल्म में सुनील दत्त और तरुण बोस ने आर्मी ऑफिसर की भूमिकाएं निभाई थी। कहानी के अनुसार एक दिन युद्ध का सीन फिल्माया जा रहा था। सीन के मुताबिक सेट पर आर्मी के टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी। सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट सेना की वर्दी में तैयार थे। एक्शन के साथ जैसे ही शॉट शुरू हुआ, सैनिक बने जूनियर आर्टिस्ट हल्ला करते हुए जोश में दौड़ पड़े। आर्मी के टैंक भी इधर उधर दौड़ लगाने लगे। सभी सीन में व्यस्त थे। तभी न जाने कहां से एक टैंक बड़ी तीव्र गति से तरुण बोस की ओर बढ़ने लगा। बीच रास्ते में खड़े तरुण बोस का अपनी तरफ चले आ रहे बढ़ रहे इस टैंक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। इसी बीच सुनील दत्त की नजर अचानक उस टैंक पर पड़ी। सुनील दत्त ने फौरन बंदूक फेंकी और बिना कुछ सोचे समझे तरुण बोस की ओर दौड़ लगा दी। टैंक तरुण बोस के बहुत नजदीक आ चुका था, मगर सुनील दत्त ने आखिरी पल तरुण बोस को धक्का देते हुए दूसरी तरफ छलांग लगा दी। टैंक तेजी से उनके पैर से लगभग पौने फुट दूर से पास हो गया। जान पे खेल गए थे सुनील दत्त। तरुण बोस उठे, अपने आप को संभाला, सुनील दत्त को गले लगा लिया और सिर्फ इतना बोले, आज तुम नहीं होते तो मैं गया था। सुनील, यू आर ए रियल हीरो। बात तब की है जब नवेंदु घोष बिराज बहू, सुजाता, देवदास और बंदिनी जैसी सुपरहिट फिल्म में लिखकर राइटर के तौर पर स्थापित हो चुके थे, जम गए थे, एस्टैब्लिश हो गए थे, सब लोग उनको जानते थे। अब उनका लक्ष्य डायरेक्शन की फील्ड में कदम रखना था। इसी इरादे से उन्होंने सुबोध घोष के बंगाली नॉवल रामगिरी को आधार बनाकर एक स्क्रिप्ट लिख डाली। टाइटल रखा टेंटेटिव प्रेम एक्ती कविता। फिल्म की कहानी जब अशोक कुमार ने सुनी तो ये उन्हें इतनी पसंद आ गई कि वो इसमें काम करने के साथ साथ इसे प्रोड्यूस करने के लिए भी राजी हो गए। सब कुछ ठीक ठाक था, शूटिंग शुरू हुई। मगर दो दिन की शूटिंग के बाद अचानक किसी बात को लेकर अशोक कुमार नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ी कि उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करने से इनकार कर दिया। नतीजा, फिल्म रुक गई। नबेंदु घोष की मेहनत बेकार हो गई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और कुछ सालों बाद दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु के नॉवेल मैला आंचल पर आधारित स्क्रिप्ट लिखी, बनाई और शुरुआत की। टाइटल रखा डॉक्टर बाबू। कलाकार धर्मेंद्र जया भादुड़ी, मगर इस बार भी किस्मत ने टांग मार दी, साथ नहीं दिया। फिल्म की शूटिंग के बीच में ही प्रोड्यूसर साहब की मौत हो गई। ये फिल्म भी नहीं बन सकी, मगर कोशिशें जारी रहीं और आखिरकार 1988 में रिलीज्ड फिल्म त्रिशाग्नि से
शुभारंभ हुआ, श्री गणेश हुआ, डायरेक्शन की शुरुआत हुई, उनकी सालों की मेहनत और इंतजार का फल मिला, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्हें जीवन का पहला और आखिरी नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। अमरीश पुरी अपने बड़े भाई मदन पुरी की तरह फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए 1950 में आ गए बॉम्बे। बॉम्बे आकर वो स्टूडियो के चक्कर लगाने लगे जैसे सब लगाया करते थे, मगर जहां भी वो ऑडिशन के लिए जाते वहां उनका रिजेक्शन हो जाता। कई दिनों तक सफलता हाथ नहीं लगने के बावजूद अमरीश पुरी ने हौसला नहीं खोया। स्ट्रगल के दौरान उन्हें अपना खर्चा चलाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से उन्होंने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एसिक में नौकरी भी कर ली, और साथ साथ संघर्ष करते हुए उन्हें कई छोटे मोटे रोल्स भी ऑफर होने लगे। मगर अमरीश पुरी इन सारे ऑफर्स को रिजेक्ट करते चले गए। इस तरह संघर्ष करते करते गुजर गए 11 साल। 1961 में अमरीश पुरी ने थिएटर ज्वाइन कर लिया। एमिनेंट थिएटर डायरेक्टर इब्राहिम अलकाजी अमरीश पुरी को थिएटर में लेकर आए। आगे अमरीश पुरी ने असिस्टेंट के तौर पर सत्यदेव दुबे को भी ज्वाइन किया। वक्त गुजरता गया, 21 साल बीत गए। 21 सालों बाद 1971 में उन्हें सुनील दत्त ने रेशमा और शेरा फिल्म में पहला ब्रेक दिया। इस ब्रेक के मिलने के बाद अमरीश पुरी ने वो एसिक की नौकरी छोड़ दी, लेकिन अभी इम्तहान और बाकी थे। रेशमा और शेरा के बाद भी अमरीश पुरी को 5 साल और लग गए जमने में, अपनी पहचान बनाने में। अमरीश पुरी को असली पहचान मिली श्याम बेनेगल की दो फिल्मों से, निशांत और भूमिका। इन दो फिल्मों के बाद अमरीश पुरी के अभिनय का जलवा ऐसा छाया कि फिर काम और सफलता के लिए कभी भी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ा। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा अर्देशर ईरानी को। अर्देशर ईरानी का जन्म 5 दिसंबर 1886 को पुणे में हुआ, पुणे शहर में। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद अर्देशर ईरानी ने कुछ समय एज ए टीचर काम किया, उसके बाद कैरोसिन इंस्पेक्टर लग गए। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के फोनोग्राफिक इक्विपमेंट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, यानी फादर का बिजनेस में लग गए। मगर कुछ अलग करने की चाह थी, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त अब्दुल अली के साथ मिलकर फिल्म एग्जीबिशन का काम बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1914 में दोनों ने अलेक्जेंड्रा थिएटर खरीद लिया। अर्देशर ईरानी यूनिवर्सल पिक्चर्स के एजेंट बन गए और अपने सिनेमा हॉल में हिंदी और अंग्रेजी की फिल्में दिखाने लगे। यहां दादा साहब फाल्के की कालिया मर्दन और कृष्ण जन्म की कामयाबी को देखकर ईरानी ने भोगीलाल दवे के साथ पार्टनरशिप करके 1920 में एक अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च की, नाम रखा स्टार फिल्म्स लिमिटेड। इस प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी वीर अभिमन्यु। ये साइलेंट फिल्मों का जमाना था और इस बैनर में तकरीबन 17 फिल्मों का निर्माण किया उन्होंने। उसके बाद कोई पर्सनल डिस्प्यूट हो गया, अलग हो गए। अलग होकर अर्देशर ईरानी ने 1925 में मैजेस्टिक फिल्म्स और उसके बाद इम्पीरियल फिल्म्स कंपनी की शुरुआत की। इसी बैनर तले 1931 में अर्देशर ईरानी ने इतिहास रच दिया, भारत की पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा का निर्माण करके। 1934 में पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म नूरजहां और 1937 में फर्स्ट कलर फिल्म किशन कन्हैया का श्रेय भी अर्देशर ईरानी को ही जाता है। अपने 25 साल के फिल्मी करियर में अर्देशर ईरानी ने तकरीबन 158 फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, जर्मन और पर्शियन लैंग्वेज में भी फिल्में बनाईं। भारतीय सिनेमा को बिब्बो, सुलोचना, बिलमोरिया, याकूब और महबूब खान जैसे सितारों से अर्देशर ईरानी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया। उनकी बनाई आखिरी फिल्म थी पुजारी, 14 अक्टूबर 1969 में। 42 वर्ष की आयु थी जब इस महान फिल्मकार का निधन हुआ। आज हमने इस सेगमेंट के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की स्वर्गीय अर्देशर ईरानी को। रीमेड इन इंडिया
चर्चा 1965 में इटालियन में बनाई गई और 67 में इंग्लिश में बनाई गई फिल्म जिसका टाइटल फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर। पहले इटालियन में बनने वाली इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले था, इस फिल्म के डायरेक्टर थे सर्जियो लियोनी। फिल्म की कहानी दो बाउंटी हंटर्स यानी इनाम की रकम के लिए लुटेरों को मारने वाले मोंको और मोर्टिमर की है। शुरुआती आपसी स्कफल के बाद, झड़प के बाद दोनों साथ मिलकर जेल से भागे एक लुटेरे इंडिगो का पीछा करते उसे खत्म कर देते हैं। फिल्म में मोंको के रोल में क्लिंट ईस्टवुड को बहुत पसंद किया गया था। 1989 में इसी कहानी पर आधारित फिल्म जो हिंदुस्तानी तड़का लगाया गया, यहाँ बम्बैया हिसाब से फेर बदल कर दिया गया। फिल्म में बाउंटी हंटर्स के रोल किए सनी देओल और अनिल कपूर ने, इंडिगो का रोल किया स्वर्गीय राजेश विवेक ने। अन्य कलाकारों में श्रीदेवी, मीनाक्षी शेषाद्री, कुलभूषण खरबंदा, सतीश कौशिक, सत्येन कप्पू इत्यादि थे। रिटन बाय जावेद अख्तर। फिल्म को डायरेक्ट किया था सिप्ते हसन रिजवी ने। टाइटल जोशीले। झांसी के राजीव तिवारी का सवाल, प्रश्न है कि फिरोज खान और संजय खान ने कभी एक साथ फिल्म में काम किया है? तो उत्तर है कि दोनों भाइयों ने एक साथ तीन फिल्मों में काम किया। फर्स्ट 1971 में आई फिल्म उपासना, दूसरी इसी साल आई डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की फिल्म मेला, और तीसरी थी 1976 में आई मल्टी स्टारर फिल्म नागिन जिसे राजकुमार कोहली ने डायरेक्ट किया था। उम्मीद है आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। अब समय हो गया आप सबसे इजाज़त लेने का, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।